Hello students, welcome to online class. Today I am going to continue remaining chapter 9, file management and introduction. Saving a file in the specified path. A program saves files to the destination of your choice. By default, the Microsoft Office program save a file in a default working folder or may use the last used location as the starting place to save the file. To save the copy in a different location, click a different folder in the folder list. आप अपने फाइल को MS Office में सेव करते हैं तो आप जो भी आपने लास्ट लोकेशन में सेव किया है उसी में आपकी फ़ाइल सेव होती है. अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं. आप फाइल सेव करने के यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप वन, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन क्लिक सेव और प्रेस कंट्रोल प्लस एस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करिए या फिर सेव ऑप्शन पर या फिर कंट्रोल प्लस एस प्रेस कीजिए. इफ़ यू डोंट सी द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक सेव ऑन द फाइल मेन्यू. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नहीं देख पाए तो आप फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर सकते हैं. स्टेप टू, इफ़ यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आस्क्ड टू गिव इट नेम. अगर आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो वो आपसे उसमें कुछ नाम देने के लिए बोलेगा. अगर आपने पहले वो बना चुके हैं तब उसमें एडिटिंग की है तो फिर आप उसी को सेव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 9 इज कम्प्लीट. थैंक यू.